हाय गाइस, गुड इवनिंग, दिस इज मिथुन सर। गाइस, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने 11 कॉमर्स अकाउंट्स में क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स देखा था। आज हम फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स। हमें यहाँ बताना है कि अकाउंट्स की ये जो भी नेम दिए हुए हैं, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इनकी कैटेगरी क्या है, मतलब ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, यही आपको यहाँ बताना। तो गाइस, सबसे पहले है सैलरी अकाउंट। गाइस, हमेशा याद रखना हम कौन है, हम बिजनेस है। पूरे 11 स्टैंडर्ड में आपको यही ध्यान रखना है कि हम कौन है, हम बिजनेस है। और बिजनेस गाइस कभी भी सैलरी बिजनेस को मिलती नहीं, बिजनेस हमेशा सैलरी पे करता है। ठीक है, अपने जो भी लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको हमेशा बिजनेस सैलरी पे करेगा ना, उनसे सैलरी कभी मिलेगी तो नहीं। तो हमेशा याद रखना, बिजनेस के लिए सैलरी और वेजेस, ठीक है, वेजेस हम लोग मजदूरों को देते हैं, वर्कर्स को देते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं हमारी, और जो ऑफिस में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, एम्प्लॉयज, ठीक है, जो मजदूर हैं उनको हम लेबरर्स बोलते हैं, लेबर नहीं, लेबरर्स, उनको हमेशा हम लोग वेजेस पे करते हैं। बिजनेस क्या पे करता है, वेजेस पे करता है। और जो एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, टेबल वर्क करते हैं, उन्हें हम लोग सैलरी पे करते हैं। सैलरी और वेजेस गाइस, ये दोनों चीजें हमारे लिए हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ओके गाइस, हम कौन है, हम बिजनेस है, तो सैलरी भी हमारे लिए एक्सपेंस है और वेजेस अकाउंट भी हमारे लिए हमेशा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस गाइस किस में आता है, नॉमिनल में आता है। सो यहां पे भी नॉमिनल आ जाएगा और यहां पे भी नॉमिनल आ जाएगा। ओके, देन द फ्यूजन स्कूल अकाउंट। गाइस, नेम ऑफ अ इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल का नाम है। नेम ऑफ एनी कंपनी, इंस्टीट्यूशन या नेम ऑफ अ पर्सन किस में आता है गाइस, पर्सनल में आता है। ठीक है, सो यहां पे आ जाएगा पर्सनल। ओके, देन व्हीकल गाइस, व्हीकल बिजनेस में किस पर्पस से परचेस किया जाता है, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए और लॉन्ग टर्म पर्पस से परचेस किया जाता है। सो गाइस, दिस इज अ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल रूल। ओके, गुड्स और एसेट्स पे रियल रूल अप्लाई होता है, सो रियल रूल। देन गाइस, बैड डेट्स रिकवर। बैड डेट्स हमारा एक लॉस होता है, जब डेटर हमें पैसा नहीं लौटाता, पैसा खा जाता है, तो हमारा लॉस होता है। ठीक है, लॉस पे नॉमिनल रूल अप्लाई होता है। और जब वही बंदा, जो बंदा हमारा पैसा खा जाता है, ठीक है, वही बंदा अगर आगे चल के कुछ समय के बाद पैसा अगर लौटाता है, मतलब हमारा डूबा हुआ पैसा निकल रहा है, उसे बैड डेट्स रिकवर्ड कहा जाता है। और गाइस, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वो हमारी इनकम होती है। ओके, सो इनकम पे भी कौन सा रूल अप्लाई होगा, नॉमिनल। नाउ रेंट रिसीव। गाइस, ऐसा कोई वर्ड हो जो आपको ऐसा लगे कि ये एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, ठीक है, तो हमेशा उसको एक्सपेंस माना जाएगा। जैसे यहां सिर्फ रेंट लिखा होता है, ओके, तो रेंट आप पे भी कर सकते हो तो आपका एक्सपेंस हुआ, रेंट आपको मिल भी सकता है, ठीक है, तो वो आपकी इनकम हुई। और चलो, ये दोनों ही चीजें नॉमिनल में ही आती है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर सिर्फ रेंट लिखा होता, मतलब ऐसा एक वर्ड है जो एक्सपेंस इनकम दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेंशन नहीं किया गया है कि हमने पे किया है कि हमको रिसीव हो रहा है, तो हमेशा आप याद रखना उसको एक्सपेंस माने। लेकिन गाइस, यहां मेंशन किया गया है कि रेंट हमको मिल रहा है। ओके, तो ये हमारी इनकम है, इनकम भी किसमें आ जाती है, नॉमिनल में गाइस। देन बी एस शाह, ओके, बी एस शाह एक फॉर्म का नाम, एक ट्रेडिंग फॉर्म का नाम है, ठीक है, यहां एक पब्लिशर का नाम है, ठीक है, मतलब नेम ऑफ कंपनी हो गया, नेम ऑफ फॉर्म हो गया, नेम ऑफ एनीथिंग, तो ये आ जाएगा पर्सनल। शरद बकोत्रा अकाउंट, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, किसी इंसान का नाम है, तो ये भी आ जाएगा पर्सनल। देन गाइस, प्रीपेड रेंट, हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, तो इसकी सर्विस कब मिलेगी गाइस, फ्यूचर में, क्योंकि आपने एडवांस में पे किया का मतलब होता है गाइस कि वो रेंट जो है, जो हमने पे कर दिया, वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है जो हमने इस साल में पे कर दिया है। तो इसकी सर्विस कब मिलेगी, लेकिन गाइस इसकी सर्विस हमें फ्यूचर में मिलेगी, जो कुछ भी फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स होती है। सो ये आ जाएगा रियल गाइस। देन प्री रिसीव्ड कमीशन। गाइस, हमको कमीशन एडवांस में मिल गया, मतलब वो इस साल की इनकम नहीं है हमारी, ठीक है, वो हमारी इस साल की इनकम
नहीं, वो आने वाले सालों की इनकम थी जो हमें एडवांस में मिल चुका है, तो इसकी सर्विस हमें फ्यूचर में देनी पड़ेगी। गाइस हमारे पास पैसा आ चुका है लेकिन उसकी सर्विस कब देनी हमें? फ्यूचर में, क्योंकि हमें एडवांस में पैसा मिल चुका है लेकिन सर्विस तो हम बाद में ही देंगे। तो जो कुछ भी फ्यूचर में पे करना वो हमारी लायबिलिटी। और हमेशा याद रखना गाइस, हम ये जो सर्विस देंगे वो किसी पर्सन या किसी कंपनी को ही देंगे। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब कभी लायबिलिटी वर्ड आए तो हमेशा वो किस में आ जाएगा? पर्सन, क्योंकि आप जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है, वो किसी पर्सन या कंपनी को ही देने वाले। देन रेलवे फ्रेट अकाउंट गाइस, रेलवे फ्रेट मतलब रेलवे का किराया, ठीक है। जब हम गुड्स कहीं किसी और स्टेट से परचेज कर रहे हैं या किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और रेलवे के थ्रू सारे के सारे गुड्स आ रहे हैं, तो रेलवे के जो एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं गुड्स लाने के लिए, उसे रेलवे फ्रेट कहा जाता है। फ्रेट मतलब किराया गाइस। तो ये हमारा खर्चा हो गया गाइस, ये किसमें आ जाएगा? नॉमिनल। आपको हर चीज गाइस बिजनेस के हिसाब से सोचनी है, ओके। नाउ गाइस डैमेज, डैमेज एक तरह की पेनल्टी होती है। ये वर्ड गाइस ज्यादातर हम लोग कोर्ट्स पे यूज करते हैं, ठीक है। जब आपने किसी और कंट्री से गुड्स इंपोर्ट किए हैं या किसी और स्टेट से गुड्स आपने परचेज किए हैं शिप के थ्रू, ठीक है, तो आपको गुड्स आ जाने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इस समय में आपको गुड्स यहां से ले जाने, ठीक है। 3 दिन तक अगर आप गुड्स वहां से नहीं लेते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती गाइस, ठीक है। लेकिन 3 दिन के बाद पर आर या पर डे आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है, और उस चार्जेस को हम लोग डैमेज कहते हैं। तो आप इसे एक्सपेंस या लॉस जो भी कहें, ये दोनों ही नॉमिनल में आ जाता है। जनरली ये हमारा लॉस हुआ लेकिन वैसे देखा जाए तो एक्सपेंस भी हो सकता है, क्योंकि चलो हम लेने नहीं गए, ये हमारी भूल है, अननेसेसरी हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे गुड्स पोर्ट संभाल के बैठा है, ठीक है, स्टोर करके बैठा है, तो एक तरह से हमें सर्विस तो मिल रही है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम उसे एक्सपेंस भी कैसे। देन कस्टम ड्यूटी गाइस, ये हमारा टैक्स है, ठीक है। कस्टम वालों को जो ड्यूटी पे करनी पड़ती है, टैक्स पे करना पड़ता है जब गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, परचेस करते हैं, ठीक है, तो दैट इज अ एक्सपेंस, तो यहां पे भी नॉमिनल आ जाएगा। देन गाइस स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, हम कौन है? हम बिजनेस है, बिजनेस में स्टेशनरी यूज होती है, पेपर्स, फाइल्स, ठीक है, जेरोक्स के एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें स्टेशनरी में आ जाता है। तो स्टेशनरी हमारे लिए क्या है? खर्चा, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा नॉमिनल। लास्ट वन इज अ गाइस गुडविल। नाउ दिस इज अ न्यू वर्ड टू यू, गुडविल। गुडविल क्या है गाइस? गुडविल हमारी प्रेस्टीज होती है, न सिर्फ हमारी प्रेस्टीज, मार्केट में हमारा कैसा नाम है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी, ठीक है। अब सपोज कर लो कि हम एक क्लास चला रहे हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, लेकिन अगर ये क्लासेस हम किसी और को सेल करते हैं, बेचते हैं, और मार्केट की वैल्यू इतनी अगर नहीं आती है तो फिर गुडविल किसका होता है? गुडविल का मतलब होता है, जनरली हम लोग समझाते हैं कि गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम, मार्केट में आपका कैसा नाम है। लेकिन सिर्फ नेम एंड फेम नहीं गाइस, उस नेम और फेम की वजह से हमको कितना वैल्यू क्या है, उसका फाइनेंशियली वैल्यू कितना है, ठीक है। अगर बहुत अच्छा नाम है तो अगर इस चीज को, इस बिजनेस को किसी और को हैंड ओवर करते हैं, बेचते हैं, तो पैसा भी अच्छा मिलना चाहिए, उसे कहा जाता है गुडविल, ठीक है। तो मार्केट में हमारा क्या रेपुटेशन है, कैसा इमेज है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसे गुडविल कहा जाता है। और गाइस याद रखना, गुडविल हमारे लिए एसेट्स होती है, लेकिन ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है जो आपको दिखती नहीं, ठीक है। टेंजिबल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। लेकिन नॉन करंट जो फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें भी गाइस दो टाइप होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, मशीनरी, व्हीकल। लेकिन गुडविल जो है गाइस, वो फिक्स्ड एसेट्स ही है, क्योंकि जब मार्केट में हमारा नाम हो जाता है तो उस नाम के बेसिस पे हमें सालों साल सर्विस मिलती रहती है, इस हिसाब से वो हमारी एसेट्स हुई। लेकिन गुडविल जो है वो हमको दिखती नहीं, वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन एसेट्स है, और एसेट्स पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? रियल रूल अप्लाई होता है। ओके गाइस, समझ में आया अच्छे से आपको? आई होप समझ में आया। थैंक यू।